कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत जिसकी बेसिस पे आपकी कंट्री वर्क करती है. सो फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल फ्रेमवर्क. इसमें कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के या एक स्टेट के जो थ्री बेसिक आर्म्स हैं उनको चलाते हैं. वो सेट ऑफ रूल्स की बेसिस पे एक कंट्री चलती है, एक कंट्री रन करती है, उन्हीं की बेसिस पे वो वर्क करती है. सो लीगल फ्रेमवर्क अपॉन विच अ कंट्री ऑपरेट्स, अपॉन विच अ कंट्री ऑपरेट्स. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर वो चल नहीं सकती, ये सुना जाता है. लेकिन ये रूल्स है, फॉर एग्जाम्पल के पावर्स क्या हैं, लेजिस्लेचर की क्या पावर होगी, जुडिशरी की क्या पावर होगी, आपके एग्जेक्टिव्स की क्या पावर होंगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे लोगों के, किस चीज़ के पास क्या अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, सक्सेसिव, ये सारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के मुताबिक ही आपने वर्क करना होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी बंदा, कोई इंडिविजुअल ओवरस्टेप नहीं कर सकता. अब पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान के अभी तक तीन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म हो चुके हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म हो चुकी हैं. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आई थी 23rd March 1956. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपकी आती है 23rd March 1956. सिकंदर मिर्जा जब प्रेसिडेंट बने, इसके बाद फौरन बाद गवर्नर जनरल, फोर्थ गवर्नर जनरल के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट. तो 23rd March 1956 में गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंट बना दिया गया. ये कुछ रूल्स आपके चेंज हुए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आई. लेकिन क्या होता है कि ये एब्रोगेट हो जाती है, इट वॉज एब्रोगेटेड ऑन 7th October 1958. मार्शल लॉ लगाया जाता है. जब भी मार्शल लॉ लगाया जाता है इसका मतलब है कि आपकी कंट्री की फंक्शनैलिटी एट स्टेक है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को रोक दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दी गई, मार्शल लॉ लगा दिया गया. लगाया किसने था? सिकंदर मिर्जा ने लगाया था खुद. एब्रोगेटेड सर, जब आपका मार्शल लॉ, फर्स्ट मार्शल लॉ लगता है आपका सिकंदर मिर्जा ने. अब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया, फर्स्ट मार्शल लॉ, और उसका फिर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया अयूब खान को, और अयूब खान ने फिर सिकंदर मिर्जा को ही निकाल के. ठीक है, तो ये फर्स्ट होता है. तो सिकंदर मिर्जा 1969 में डेथ हुई, उनको यहाँ पे दफन भी नहीं होने दिया, वो ईरान में दफन है सिकंदर मिर्जा साहब. सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बनती है अयूब खान के ही दौर में, 8 जून 1962. अब क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क भी आ गया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है ऑन 25th March 1969, जब दोबारा मार्शल लॉ लगाया जाता है बाय याया खान. ठीक है, मार्शल लॉ लगा बाय याया खान, तो मार्शल लॉ लग गया, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आपकी भी एब्रोगेट हो गई. अब आ जाते हैं आपकी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक अप्लाई. अब ये क्या होता था कि यहाँ पे आपकी एब्रोगेट कर दी जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन. जब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आई, तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपकी लगाई जाती है 14th August 1973 में, और इसमें एक कंडीशन रख दी जाती है कि नाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एब्रोगेटेड
ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल लग देते हैं कि अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं कर सकते, लेकिन मार्शल लॉ तो उसके बाद भी लगे, वो कैसे लगे? उसके बाद यहाँ का लगा, मुशर्रफ का लगा, वो कैसे? आप मैंने तो बात की मार्शल लॉ जब तब लगता है जब आपकी कंट्री की बेसिक फ्रेमवर्क फेल हो रहा है। आप कहते हो कि नहीं जी, इस फ्रेमवर्क पे कंट्री नहीं चल सकती, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म की और आ गए, तो बाद में कैसे लगे? तो किताबें तुझे बढ़िया पढ़ी सर, मार्शल लॉ बाद जो है किस क्यों लगे? आपको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अब खत्म नहीं कर सकते आप। सर आईन की तरमीम करते थे, पहले वो टेक ओवर करते थे, उन्होंने क्या किया, दोनों ने इसको सस्पेंड कर दिया, एब्रोगेट खत्म नहीं किया, इसको सस्पेंड करके इसमें एंड पे 88th अमेंडमेंट की, फिर मुशर्रफ ने भी सस्पेंड कर दिया कि फिर थोड़े अरसे के लिए फिर इसको दोबारा लगा, ये कर रही। फिर 2010 में जब आपकी 18th अमेंडमेंट आती है तो उसमें सस्पेंशन को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, नहीं तो अभी तक हमारे ऊपर बाजवा साहब बैठे हैं। उससे पहले भी ये बहुत कुछ करते रहे हैं, इस तरह हो जाए अब कोई और आ गया तो वो गद्दारी होगी, लेकिन जब उन्होंने तो देर करते हो आ जाए। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं है ना, अब आपको लीगल फ्रेमवर्क जब भी मार्शल लॉ लगा है उसको एक बेसिस दिया है जुडिशरी ने। अब जुडिशरी यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो किसी भी वे पे नहीं जा सकती, उसको फॉलो नहीं कर सकती। यही है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि आपकी ये सस्पेंड भी नहीं कर सकते आप, तो वो कोई ना कोई लूप हो तो जाहिर है कि निकाल ही लेते, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। अब मैंने कहा अपने तो ये बाजवा साहब भी उतरे बैठे होंगे थोड़े। पहला तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आ गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, यानी कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, एक पहले उनके आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बनते हैं, फिर उसी के 7 साल बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनी अमेरिका की 1789 में, और वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रही है। 27 अमेंडमेंट्स हुई उसमें, और पाकिस्तान की तीसरी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी 25 हो चुकी है, 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं जी आगे आर्टिकल 1 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। आर्टिकल 1 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि पाकिस्तान इज टू बी अ फेडरल रिपब्लिक, कि पाकिस्तान क्या होगी, एक फेडरल रिपब्लिक होगी। देखिए दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, दो तरह के रूल्स होते हैं, दो तरह के गवर्नमेंट मॉडल्स होते हैं, एक होता है यूनिटरी मॉडल और एक होता है फेडरल मॉडल। यूनिटरी मॉडल में आपकी पावर्स कंसंट्रेटेड होती हैं इन द सेंटर, सेंटर में सिर्फ पावर होती है, सेंटर ही आपका सारा मैनेज कर रहा होता है, और फेडरल मॉडल में आपकी पावर्स डिवॉल्व होती हैं आपके सेंटर प्लस उसके जो सब आर्म्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उधर पावर्स डिवॉल्व होती हैं प्रोविंसेस में। तो पाकिस्तान में एक फेडरेशन है, एक फेडरल रिपब्लिक है, आर्टिकल 1 कहता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखी किसने? सर ये लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये आख्या ही है लेकिन लिखा ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं, यानी कि आपके स्टेट में पावर्स डिवॉल्व्ड है, हमारी स्टेट की एक स्टेट मशीनरी की कितनी आर्म्स होती हैं, बेसिक आर्म्स स्टेट चलाने की 3 कौन कौन सी? मिलिट्री देखें आपकी 3 आर्म्स होती हैं एक स्टेट की वर्किंग के लिए, एक होती है आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करती है डिसीजंस को, लोगों को मैनेज करती है, फॉरेन रिलेशन मैनेज करती है, एक फ्रंट फेस बनती है। फिर आपकी होती है लेजिस्लेचर,
और थर्ड होती है आस्क द जुडिशरी। और आजकल मॉडर्न एज पे एक फोर्थ स्टेट कहा जाता है किसी चीज को, इसे कहा जाता है फोर्थ स्टेट, किसे कहा जाता है? मीडिया। मीडिया को, मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंस शो करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं है लेकिन वो इम्पॉर्टेंस शो करने के लिए वो भी फोर्थ नाम गिना जाता है स्टेट मशीन में। तो ये आ जाता है आपका। अब हम बारी बारी हमने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी, पहले लेजिस्लेचर से स्टार्ट करेंगे, लेजिस्लेचर क्या होता है, वहाँ से फिर एग्जीक्यूटिव की तरफ आएंगे, फिर जुडिशरी की तरफ आएंगे, इनकी पावर लगेंगे, पावर और फंक्शन कंबाइन कर लेंगे। तो आपका इस तरह करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? ऐसे की रिसर्च स्टार्ट कर दी है, नहीं दिन जाया करना है कल को लेजिस्लेचर फर्स्ट कंपोनेंट। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में आपके आर्टिकल 50 कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है कि लेजिस्लेचर के तीन कंपोनेंट्स हैं। आर्टिकल 50 कहता है कि तीन कंपोनेंट्स ऑफ लेजिस्लेचर आते हैं, थ्री कंपोनेंट्स, कौन कौन से? अपर हाउस है, लोअर हाउस है, अपर हाउस का क्या नाम है? सेनेट। अपर हाउस है एक, दैट इज सेनेट। एक लोअर हाउस है नेशनल असेंबली। तीसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? प्रोविंशियल। यहां फेडरल बात करेंगे, वो भी तो साइन कर देंगे वाला। थर्ड कंपोनेंट आपका जी प्रेसिडेंट। आपके पार्लियामेंट का क्या नाम है? शूरा, मजलिस-ए-शूरा। तो आपकी लेजिस्लेचर को बेसिकली रेफर करते हैं एज पार्लियामेंट, बट आपकी पार्लियामेंट का नाम है मजलिस-ए-शूरा। और वो उसका नाम मजलिस-ए-शूरा कब रखा गया? 73 तो तीन कंपोनेंट्स आपके हो गए, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम एक प्रोसेस देखते हैं कि हाउ लॉ इज फॉर्म्ड और फिर प्रेसिडेंशियल बाकी पावर्स देखते हैं। लॉ बनाना इनका काम है, बेसिक फंक्शन इज लॉ मेकिंग। अब हम देखते हैं कि ये क्या फंक्शन हैं जो प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, और इन दोनों के कंबाइन देखेंगे, फिर नेशनल असेंबली के एक्स्ट्रा पावर्स देखेंगे। प्रेसिडेंट को सबसे पहले अगर देखें, प्रेसिडेंट को देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। कंट्री का जितना भी ऑफिशियल बिजनेस है वो इसके नाम पे चलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 क्या कहता है कि बिजनेस ऑफ स्टेट is run on the name of Pakistan.
ऑफ प्रेसिडेंट या थ्रू दी नेम। ऑफिशियल जितना भी बिजनेस है उसमें साइन नेम सारा प्रेसिडेंट का होगा। प्रेसिडेंट, अब हम देखें लेजिस्लेशन होती कैसे। लेजिस्लेशन होने के लिए सबसे पहले आपका क्या होता है, बिल। अब बिल एक जनरेट होता है, एक पहले बिल फॉर्म होता है, जनरेट होता है आपकी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दो मेजॉरिटी होती है। क्या क्या डिफरेंस है दोनों? सर कुछ चीजों के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50। फर्क क्या है सिंपल मेजॉरिटी की? एक दो तक आई एक्सपीरियंस जो है वो टू थर्ड का, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो ना हुई। देखिए सिंपल मेजॉरिटी मींस कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 51% वोट दे, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है कि सारे प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें से 51% वोट। तो सिंपल मेजॉरिटी से आपका बिल जनरेट होता है आपके किसी भी हाउस, आपके किसी भी हाउस से आपका बिल जनरेट होगा। अब वो बिल प्रेजेंट करेंगे दूसरे हाउस से, ठीक है, गोज टू दी अदर हाउस, वो दूसरे हाउस में जाएगा, और तीसरा फिर वो जैसे हाउस से पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के। तीसरा किधर जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। तो प्रेसिडेंट की एक पावर क्या हुई कि ये क्या करता है, ये साइन करता है बिल को टू मेक इट लेजिस्लेशन, वो बिल को साइन करेगा लेजिस्लेशन बनाने के लिए। लेकिन लेट्स से ये कहता है मैंने साइन नहीं करना कि मुझे ये बिल सही नहीं लगता, तो वो बिल को रीसेंड कर सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन कर दे या वो रीसेंड कर दे। दूसरा जो ऑप्शन है आपका है रीसेंड कर दे, उस पर गौर करना है समझने के। रीसेंड करेगा तो क्या होगा, रीसेंड कर देगा किसकी तरफ, हाउस की तरफ। अब लेट्स से रीसेंड करता है रिकंसिडरेशन के लिए, तो उसको दोबारा रिकंसिडर कर लो जो कंपोनेंट उसको सही नहीं लगता। लेट्स से वो वापस चला जाता है बिल, अब वो बिल वापस जाता है और आपका हाउस कहता है कि हमें यही बिल पसंद है, वो दोबारा उसी को भेज दे। एक दफा प्रेसिडेंट उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि कंपल्शन है कि चेंज करें, वो उसी को दोबारा वापस भेज दे कि साइन कर दो, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू साइन विद इन 10 days। आर्टिकल 75 कहता है आपका कि प्रेसिडेंट हैज टू साइन विद इन 10 days। लेट्स से वो 10 दिन में नहीं करता, लेट्स से वो 10 दिन में रीसेंड फॉर रिकंसीडरेशन सही है, इसको दोबारा सेंड फॉर करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, उसको भेज देता वापस, वापस भेज देता। किसको भेज? जिस हाउस से आया, अपर हाउस से या लोअर हाउस, वो 10 दिन नेशनल असेंबली का। तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, एक तो रीसेंड कर दे दूसरा साइन कर दे। मैं दो ऑप्शन में वो पहले ही कर सकता था, ऑप्शन देखो ही आज वो प्रेसिडेंट ने बात नहीं माननी है, और अब उसको साइन, उसका कंपल्शन है, अगर वो फिर भी साइन नहीं करता तो उसका ऑटोमेटिकली एक स्टैंप लग जाता है कि प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू पास द बिल। तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब, एक तो ये भी अथॉरिटी आ गई सर, एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ क्या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये पूरी हेड ऑफ स्टेट है ना, अथॉरिटी एक हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो इंस्टीट्यूशन सारी को चला रहा है। अच्छा एक ये और दूसरा, एक इसकी मशहूर जो ऑर्डिनेंस हमने सुना है जी NRO, ये वो इसके पास प्रेसिडेंशियल पार्डन की अथॉरिटी होती है। आर्टिकल 45 कहता है कि ये प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दे सकता है किसी भी जो प्रेसिडेंशियल पार्डन, आर्टिकल 45 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल याद करना जरूरी नहीं है।
ठीक है, कंटेक्स्ट याद हो ठीक है, लेकिन आर्टिकल जाहिर है कि लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन वो लिखना इस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेजिडेंट एंड पावर ऑफ पार्टी इस तरह लिख सर, ये जो प्रेजिडेंट के पास जो पावर है सर 45 में रीसेंड करने की और उसको दोबारा से साइन करने, इसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी वाले बिल है या वो जो दूसरी मेजोरिटी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाले भी इसके पास पावर है कि उनको भी ये दोबारा रीसेंड कर सकते हैं, रीकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं, वो सबको कर सकते हैं, सबको, लेकिन वो यही है कि वो ही वापस भेज दें तो इसको साइन करना पड़ेगा। वैसे यूके में क्राउन जो है प्रिंस जो होता है क्वीन, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए उसे भेजते हैं, अगर वो साइन ना करे तो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है, वो भी हेड ऑफ स्टेट वहां पे है ना, हेड ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, प्रेसिडेंशियल पार्डन, कोई भी क्राइम कोई भी जुर्म कोई भी सजा प्रेसिडेंट माफ कर सकता है लेकिन खुद नहीं कर सकता। आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो जितनी भी ये काम करेगा वो किसकी एडवाइस पे करेगा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। 48 आर्टिकल 48 so he has to act on the advice of PM Prime Minister, ये आपका आ जाता है। अब प्रेसिडेंट पे एक एज लिमिट होती है, आर्टिकल 41 कहता है कि प्रेसिडेंट को 45 इयर्स ओल्ड होना पड़ेगा कम से कम, तो इस पेज लिमिट है आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल 41 कहता है कि प्रेसिडेंट की एज लिमिट, लोअर एज लिमिट होगी जी 45 इयर्स, 45 साल से छोटा बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। सर जो आर्टिकल जो था 58(2)(b) वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन उसको एक्सरसाइज अगर वो प्राइम मिनिस्टर करना चाहे तो प्रेसिडेंट के थ्रू करेगा। असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ही हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे गवर्नर की बात हुई थी अभी रिसेंटली, पंजाब का गवर्नर चेंज करें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं कहा नहीं कर सकते, पकड़ा दे लटका है ठीक है, तो वो अल्टीमेटली उसको आर्टिकल 48 करना समझ आई। ये आपका पहला कंपोनेंट है प्रेसिडेंट। दूसरा कंपोनेंट अगर हम देखते हैं, ये क्या प्रेसिडेंट का तो आपके दूसरा कंपोनेंट आता है जी लेजिस्लेचर का, ओवरऑल हम देखते हैं ये जो अपर हाउस और लोअर हाउस, सबसे पहले देखते हैं इसकी कंडीशन, एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट की इसकी कंडीशन है कि इसकी एज मिनिमम, आपने अगर नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो आपकी एज लिमिट होगी 25 इयर्स, आपकी मिनिमम एज 25 इयर्स ओल्ड आपको होना चाहिए। लोअर हाउस की नेशनल असेंबली एम एल ए बनने की यंगेस्ट एम एल ए पता नहीं कौन है, लाइक 26 साल की उम्र में बना था आपके, एज लिमिट 25 इयर्स ओल्ड। अब अगर आप नेशनल असेंबली को इधर देखते हैं, इधर नेशनल असेंबली को देखते हैं, इधर सेनेट को देखते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितने सीट्स हैं, क्या कैसे इलेक्शन होता है, इनको किस तरह करते हैं इलेक्शन देखिए, क्योंकि वैसे मैं एक्सप्लेन करने लगा आप सीधा सीधा देखते हैं। नेशनल असेंबली को अगर आप देखें, नेशनल असेंबली में कितने सीट्स हैं, 342 सीट्स हैं अभी, लेकिन अगले साल जब इलेक्शन होंगे तो कितनी सीटों पे होंगे सर, 20-30 माइनॉरिटी की निकाल नहीं,
ये सीट्स कम हो जाएंगी, 336 सीट्स रह जाएंगे। फाटा खत्म हो गए ना, पहले फाटा के सीट्स होते थे। लेकिन उनके हल्के बड़े नहीं हुए, लेकिन वो केपीके में चला गया ना, तो ओवरऑल अगर देखें तो जितनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी कम है। तो 336 सीट्स अब आपकी टोटल है नेशनल असम्बली में, जब उन्होंने दोबारा बनाई सीट्स नेशनल असम्बली की 336 सीट्स हैं। एज लिमिट कितनी है, 25 ईयर्स ओल्ड। अभी करंटली 342 है ना, अगले साल जब नए इलेक्शन होने हैं तो वो कितनी हो जाएंगी। एक तो ये हो गया सीट्स इसकी इतनी है। सेकेंड, इसकी सीट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा इसकी सीट्स होंगी। जितनी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा इसकी सीट्स होंगी। दिस इज नेशनल असेंबली। सर ये वैसे कुल दादा कितनी होनी चाहिए एक सीट के पीछे पॉपुलेशन, कंसेंसस में चेंज होता रहता है। अब आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सीट्स डिसाइड की जाती है। अब सीट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की तरह पंजाब में 52% सीट्स पंजाब की हैं, ठीक है। तो बलूचिस्तान की बिल्कुल 10-12 में, हाँ वो पॉपुलेशन की तरह। अब सेनेट है उसमें ये चीज़ एड्रेस की गई कि जिसकी पॉपुलेशन कम है उसकी सीटें कम, तो सेनेट में इक्वल शेयर होता है सबका, सेनेट में इक्वल शेयर होता है सीट्स का। हर प्रोविंस की 23 सीट्स ईच है और ईच प्रोविंस देयर इज देयर आर 23 सीट्स रिजर्व्ड और 4 सीट्स इक्वल शेयर है ना सीट्स का। यहां पर सीट्स तो पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब की ज्यादा, पाकिस्तान की कम, यहां पे सब के बराबर। 23 सीट्स है सारे प्रोविंस की, 4 सीट्स हैं कैपिटल की और पहले होती थी 8 फाटा की, तो अब वो खत्म नहीं हुई। अभी जो पहले पुराने बंदे थे वो इसमें ये होता है सेनेट में हर 3 साल बाद हाफ सीट्स पे इलेक्शन होता है, तो फाटा की पहले हुआ करती थी 8, ये अब खत्म करनी। तो 2020 में ये थी 104 सीट्स टोटल। जब अप्रैल 2021 में इसका हुआ इलेक्शन तो हाफ सीट्स फाटा की खत्म हो गई, हाफ सीट पे हुआ ना इलेक्शन, तो 100 सीट रह गई। और अब दोबारा अप्रैल 2024 में होगा इलेक्शन सेनेट का, तो तब कितनी रह जाएंगी, 96 सीट फाटा की खत्म होने। पर अभी 100 है इस पे, अभी 100 21 में 4 की कम हुई, फाटा खत्म हो गया ना, फाटा मर्ज हो गया केपीके में। अब केपीके की सीट है ना टोटल, अब फाटा के पहले जो बंदे 104 में से 8 निकले थे, कितनी बार हाफ सीट्स पे इलेक्शन होता है ना, हाफ सीट चेंज होती है, हाफ नहीं होती, हाफ पे हुआ तो वो खत्म कर दी और हाफ पे दोबारा होगा तो वो बाकियों पे जब होगा 3 साल बाद वो खत्म हो गई। तो ये आपकी सेनेट की सीट्स 2023 में होंगे, 24 में दोबारा होंगे। नहीं ये सेनेट के इलेक्शन अलग होते हैं बच्चे, 3 साल बाद होते हैं। इनके जो इलेक्शन होते हैं वो इनका प्रोसीजर ही अलग है, ये प्रोविंशियल असेंबली अलग करती है, यहाँ पे पीपल वोट करते हैं, ठीक है। ये दो समझ आ गए। अब फंक्शन या पावर्स पे आ जाते हैं इनके, लेजिस्लेचर के क्या फंक्शन है क्या पावर्स है। प्रेसिडेंट ने तो पावर्स देख ली ना, अब हमें क्यों देखनी है लेजिस्लेचर में इनके फंक्शन या पावर्स क्या है। लोअर हाउस की पेपर दोनों कटी देखते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस की ज्यादा पावर्स है, अपर हाउस वो भी देखते हैं। अब इनकी पावर्स आ जाए या फंक्शन आ जाए, सबसे बेसिक फंक्शंस क्या होता है लेजिस्लेशन का। सबसे पहला फंक्शन लेजिस्लेट का, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। हाँ लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेट का, टू लेजिस्लेट लॉज बनाना, जो इनका बेसिक काम है। दूसरा ये लोग चूज करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, तीसरा ये टैक्सेस लगाया कर सकते हैं,
थर्ड इज ये टैक्सेस डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ बजट की पावर इनके पास होती है, बजट यहां से निकलता है, ये मनी बिल्स जैसे करते हैं। बजट जो हमारा आता है वो हमारी पार्लियामेंट से आता है ना, कंप्लीट पूरा बजट बना इसके। फिफ्थ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं डिस्कस किया हमने। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सारी प्रोविंशियल असेंबलीज और दोनों हाउसेस ये मिलके प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन करता है, इसमें एक रोल प्ले करती है आपकी नेशनल असेंबली। दूसरा ये इलेक्ट भी कर सकते हैं, इम्पीच भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इम्पीच मींस रिमूव कर सकते हैं। फिर इनकी पावर है कि ये प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपका कंपल्शन है, वो हम आगे देखेंगे कि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए। तो सिक्स्थ आपका क्या है, सेवन्थ आपका क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, और सातवां है ये आपके प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। आर्टिकल 95 कहता है, आर्टिकल 95 क्या कहता है कि ये आपके पास इनके पास अथॉरिटी है टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर थ्रू वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। ये आपके पास फोर कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसमें से ये जो अथॉरिटी है बजट की, इलेक्ट की और रिमूवल की, ये सिर्फ है एक के पास, लोअर हाउस। तो स्पेशल पावर्स ये तीन है जी, स्पेशल पावर या एडिशनल पावर्स ऑफ लोअर हाउस। नेशनल असेंबली की कुछ एडिशनल पावर्स है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि एडिशनल पावर्स ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की एडिशनल पावर, सबसे पहले एडिशनल पावर इसकी क्या है, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट सिर्फ नेशनल असेंबली करती है, सेनेट नहीं करती। और दूसरा हमने देखा है कि वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 के तहत उसको रिमूव भी कर सकती है। और थर्ड इसमें आ जाता है बच्चे, इसमें बजट सर, ये लेजिस्लेचर के अंदर अंडर आती है ना लोअर हाउस और वो अपर हाउस, और सर ये जो पावर्स एंड फंक्शंस लिखेंगे आपने ओवरऑल बताया, ओवरऑल बताया, पहले ये ओवरऑल बताया। फिर ये तीन एडिशनल पावर्स होती हैं जो सिर्फ नेशनल असेंबली के पास है, बाकी दोनों के पास नहीं है। लेकिन बजट में एक इनके पास रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 81 की। आर्टिकल 81 कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कुल डिस्ट्रीब्यूशन का। चार्ज एक्सपेंडिचर मींस कि चाहते हुए भी वो ये उन इंस्टीट्यूशंस की बजट को खुद मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका बजट रिक्वायरमेंट वो देंगे, इनको फुलफिल करना पड़ेगा। चार्ज एक्सपेंडिचर बजट में एक रिस्ट्रिक्शन है इनके पास कि चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। चार्ज एक्सपेंडिचर मींस के आप जो रिक्वायरमेंट वो इंस्टीट्यूशंस रखेंगी वो इसको फुलफिल करनी पड़ेगी, ये उनको खुद चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपना बजट खुद बना के देंगी और इसको मानना पड़ेगा नेशनल असेंबली को। वो है जी जुडिशरी, ऑडिटर जनरल ऑफिस, ठीक है, फिर आपके दोनों सेक्रेटेरिएट्स, ये वो दोनों सेक्रेटेरिएट्स, ऑडिटर, हाँ ऑडिटर जनरल। सर सेक्रेटेरिएट कौन कौन से, जैसे सेक्रेटेरिएट तो काफी होते हैं, नहीं नहीं एक आपका सेनेट का और नेशनल असेंबली का,
जुडिशरी का चार्ज एक्सपेंडिचर क्यों, इनमें कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना है, ठीक है, बजट इनके कंट्रोल में हो गया, अच्छा जी तो भी साड़ा केस साढ़े खिलाफ किया बजट तो पैसे के वो चीज़ ना हो। ये चीज़ ऑडिटर जनरल अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है, ऑडिट करता है इंस्टीट्यूशंस का, और ये आपका जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल डिसीजन देती है, सर अपना भी करती है उसमें, सेनेट भी तो आ गई, सेनेट पर भी तो इन्फ्लुएंस ना हो। तो आपके ये जो चीज़ है इनका चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, मिलिट्री का नहीं, नहीं मिलिट्री का नहीं, मिलिट्री इज अ सब आम, चार ये सेक्रेटरीट दो होते हैं ना, तो मिलिट्री का नहीं है, मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है मिलिट्री के पास, कोई पावर असल पावर सारी मिलिट्री के पास, नेक्स्ट बच्चे आपकी अथॉरिटी देखते हैं जी, एग्जेक्टिव सेकंड आपके आ जाएगी, एग्जेक्टिव में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, बस सर एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर वो लेजिस्लेचर में आ गए, सेनेट भी होती है, सेनेट कहाँ से आ गई, कैबिनेट होती है, एग्जैक्टिव में दो चीजें हैं, एक तो उसका हमारा प्राइम मिनिस्टर और दूसरी उसकी कैबिनेट, क्योंकि ये कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर बनाता है खुद अपनी मर्जी से स्टेट रन करने के लिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के हेड, डिफरेंट मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स, ठीक है, इन सारे कैबिनेट में आते हैं उसकी जो इसको टेक्नोक्रेट्स वो खुद चूज करता है, अब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, हाल की गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेट्स थे ते उन गवर्नमेंट च क्रेट्स ने बस तो वो भी ये खुद ही चूज करने सर है। ये मुझे बताएं कि ये लास्ट में जो कैबिनेट का मिनिस्टर है उसका तो भी ना जरूरी नेशनल असेंबली का होना, जैसे अभी साहब बाहर से आया है वो बांट गया, नहीं जरूरी मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर बांट गया नहीं जरूरी, तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरा कैबिनेट। अब प्राइम मिनिस्टर पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर्टिकल आपका कहता है जी 91 कि कोई एज लिमिट नहीं है प्राइम मिनिस्टर पे, लेकिन नो एज लिमिट ये कहता है आपका आर्टिकल 91, लेकिन लेकिन एक ये है मुसलमान वो तो होना चाहिए, लेकिन उसको MNA होना चाहिए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मस्ट हो, लोगों ने उसको चूज किया हो और फिर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उसको चूज करें, तो तब आपका एक डेमोक्रेटिक लीडर चूज होता है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया, डेमोक्रेसी जीत गया, सर ये थोड़ा सा दोबारा देखें, MNA होगा ना, MNA लोगों ने वोट दिया जीता, अब बाकी सारे भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, एक चीज पूछनी है सर, जब MNA बात करता है जब सारे इलेक्शन हो जाते हैं फिर नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जब पहले MNA बनता है, इसलिए ये 3-4 सीटों पे लड़ते हैं ना जो पार्टी हेड होते हैं, ताकि 1000 जीत बाकी से जीत जाइए, क्योंकि अगर वो सीट उसको ना मिली तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा ये आ गया आपके, अब इसकी अथॉरिटीज देखते हैं, इसका और इतना कोई डिटेल नहीं है, ये करता है वो करता है, बाकी इसकी अथॉरिटी होती है वो हम देखते हैं, इसके फंक्शन या इसके पावर्स के, पावर्स ऑफ
इसके फंक्शन या पावर्स क्या हैं? कंबाइन सर दोनों के कि सिर्फ पीएम सिर्फ ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट चलाता है ना, वो उनकी अपनी अथॉरिटी कोई नहीं होती, इन्होंने सारा प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे चलना होता है। सर हमें है तो दो ही पाए, दो नहीं मैंने बताया कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव पीएम और कैबिनेट। अब कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स भी होते हैं, कैबिनेट में उसके असिस्टेंट्स भी होते हैं, कैबिनेट में उसके एडवाइजर्स भी होते हैं। टोटल कैबिनेट में कितने बंदे हो सकते हैं? नहीं 18th अमेंडमेंट में डिसाइड किया गया था कि कैबिनेट में 11% होंगे किसके, नेशनल असेंबली की सीट्स प्लस सेनेट की सीट्स, दोनों को प्लस करो 11% से मल्टीप्लाई कर दो, 11% निकालो उसका 49 मेंबर्स बनते हैं, यानी कि नेशनल असेंबली के 342 है ना, सेनेट के 104 थे, मतलब 11% निकालो 49 मेंबर्स आपके बन सकते हैं, 11% होने चाहिए नेशनल असेंबली प्लस सेनेट के। हाँ उसका 11% निकालो 49 मेंबर्स इसके बनते हैं कैबिनेट के, वो 49 ही, अब उस 49 से ज़्यादा नहीं हो सकते, खान के 48 थे। अच्छा फंक्शंस एंड पावर्स, सबसे पहले ये इसका काम क्या होता है, ये लेजिस्लेशंस जो बनती हैं उनको अप्लाई करता है, ठीक है सर। एग्जैक्टली में सारी नियम नियम की होती है, हाँ इम्प्लीमेंट द लॉ, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा काम बचे इसका, ये कस्टोडियन होता है आपकी ट्रेजरी का, कस्टोडियन ऑफ दी ट्रेजरी, मतलब सर जितने भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं वो इसके मिनिस्टर के अंडर आते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ट्रेजरी जो होती है उसका कस्टोडियन होता है। तीसरा काम भी इसका ये है कि इसने कलेक्ट करवाने होते हैं, कैबिनेट ने और इन्होंने कलेक्ट करने होते हैं टैक्सेस, जितने भी इंस्टीट्यूशन आती हैं सारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जो भी है वो मिनिस्टर जो है इंटीरियर मिनिस्टर है उसके अंडर आता है, और वो इसके अंदर आता है प्राइम मिनिस्टर, तो कलेक्ट टैक्सेस इन्होंने करने हैं। तीसरा इन्होंने सिविल ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ जनरल पब्लिक, इज द प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन। ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ये फेडरल के अंदर आते हैं तमाम टैक्सेस या प्रोविंसेस के पास, प्रोविंशियल पावर्स भी हैं, एग्रीकल्चर के टैक्सेस प्रोविंसेस के पास आते हैं, वो कलेक्ट भी वही करते हैं, कलेक्ट भी वही करते हैं, वही करते हैं, और वो एक्साइज वाले कौन सा सर इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अगर प्रोविंस और फेडरल ये पीएम क्या कर रहा है, चेक करना इसका, जो फेडरल गवर्नमेंट किसके अंडर है वही चला रहा है ना, उसके मिनिस्टर्स कैबिनेट जो उसकी है उसके अंडर है सारा कुछ। अच्छा एग्रीकल्चर का टैक्स हो गया और ये छोटे मोटे ही कोई, हाँ सारे के अंदर एजुकेशन टूरिज्म उसके अंडर है, ये सारी चीजें उसको वहाँ से निकालते हैं। ये तो ये प्रोविंसेस का कौन सा इंस्टीट्यूशन है कलेक्ट करता है? यही एक्साइज एंड टैक्सेशन, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है ना, पुलिस FIA ये वो FIA ये सारे आपके मिनिस्ट्री के अंडर है, यानी कि इनडायरेक्टली कोई मैनेज कर रहा है ना, तो फिर ये इसका बेसिक काम एक और है, इसने क्या करना है, सिविल ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, लोगों की इक्वालिटी भी करनी है, ठीक है, और लास्ट पे इसने जितने भी प्रोविंशियल हारमोनी को भी मैनेज करना है, ठीक है, अपने प्रोविंसेस की इसने एक कॉमन लिंक है ना, तो एक वो प्रोविंशियल हारमोनी को मैनेज करना है, और सातवां इसने क्या करना है, इसने डेवलपमेंट प्लान ये वो उधर से आए, और सातवां इसका बेसिक काम है कि इसने फॉरेन रिलेशंस बनाने, फॉरेन टाइज भी इसके अंडर है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ठीक है। अब क्या फीमेल बन सकती है आपकी? जी कौन करता है?
कैसे? आर्टिकल 25 कहता है कि आपकी कोई नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी के लिए, किसी के प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अभी तक कोई औरत होगी नहीं? ठीक है सर, ये जो इंप्लीमेंट दी लॉ है, ये बेसिकली काम प्रेसिडेंट का नहीं चीज़ है कि देखिए सर लॉ उसने तो बनाना है, नहीं उसके पास सर ये तो है ना, मतलब उसने जैसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इंप्लीमेंट उसने करना है, उसके ऊपर जरूरी है तो चीज़ लॉ में ना राइट है, उसने प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली लगवाना है, उसने प्रेसिडेंट के थ्रू थोड़ी लगवाना है। फॉर एग्जांपल मुझ पे कोई इमरजेंसी लगवानी है उसका प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्रेसिडेंट को कहेगा कि इसको इंप्लीमेंट करो, एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को। इमरजेंसी इज समथिंग एल्स, वो प्रेसिडेंशियल पावर्स में आता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, उसने उसके थ्रू ऑर्डिनेंस के थ्रू उसने करवाना। ये चीज है, ये सिविल ऑर्डर है, सिविल सारी चीजें आएगी प्राइम मिनिस्टर, उसने कैबिनेट वालों को कहना है कि आप ये यहाँ पे ये करें। इनके लिए प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है, वो तो लॉ तो बनेंगे तब ना जब प्रेसिडेंशियल साइन होगा, उसको भी करना जरूरी है और वो भी जरूरी है, वो तो उसका उतना अथॉरिटी नहीं है। तो ये आपके किसके फंक्शन आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के सारे, समझ आ गया। लास्ट आपका हेड आ जाता है जुडिशरी, आर्टिकल 50 कहता है कि तीन कंपोनेंट्स हैं लेजिस्लेचर के, कौन कौन से? अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उधर ही आ गया। थर्ड आपका आम आती है बच्चे जुडिशरी। पाकिस्तान की जुडिशरी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं बताएं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मिनिस्ट्रीज, पाकिस्तान कोर्ट, असिस्टेंट स्पेशल कोर्ट, इस्लामिक। पाकिस्तान की जुडिशरी में सबसे पहले एक आपके आएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, साथ आपकी आएगी एक और फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर आपकी आती है कितनी हाई कोर्ट्स है पाकिस्तान में? सर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, उसके बाद कराची, हाँ इस्लामाबाद, चार प्रोविंसेस की हाई कोर्ट्स और एक आपके कैपिटल की, फाइव हाई कोर्ट्स हैं आपके, और फिर बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स हैं। ये बेसिक है आपकी, एक हायरार्की है इसमें। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट एक ही सर, जैसे अब जी पी है गिलगित बल्तिस्तान, वो ऑर्डिनेंस के तहत एक प्रोविंस तो है पाकिस्तान, नहीं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, मतलब उसको प्रोविंस का स्टेटस तो है, स्टेटस नहीं है उसको, एक ऑनररी स्टेटस कह सकते हैं, ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, वो अपने आप को करते ही नहीं रहता, वो कहते हैं कि हमारा, वो तो कहता है ना प्रोविंस बनाया, लेकिन सीएम बनाया हुआ अपना, कोई प्रेसिडेंट वगैरह, जैसे कश्मीर ने अपना एक लहदा कोर्ट, हर चीज लहदा सारा, उसको कश्मीर में तो अथॉरिटीज नहीं है ना, इसका बार बार रिफॉर्म्स लाई जाती हैं इसमें, जीपी वाले लॉन्ग करते हैं प्रोविंस बनाओ प्रोविंस बनाओ, लेकिन अभी तक हम उसको मैनेज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो यूएन के डर आता है उस पूरे कश्मीर क्या पावर होती है, क्या काम करना होता है इसमें? अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ, चेक एंड बैलेंस,
इसका बेसिक फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है वो हेडिंग डाल के आपने लिखना है। इसका सबसे पहला फंक्शन है इसने एक ने लॉ बनाना है, दो एक ने इंप्लीमेंट करना है, इसने इंटरप्रेट करना है। कोई भी लॉ है उसके लिहाज से इसने डिसीजन देना है, लॉ के मद्देनजर लॉ को ब्रेक डाउन करके नोट करके उसने डिसीजन देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दूसरा ये प्रोटेक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, थर्ड ये रिव्यू करता है डिसीजन, ये रिव्यूज लेजिस्लेशन, जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो चेक करता है कि वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। फोर्थ ये जितने भी एग्जेक्टिव डिसीजन होते हैं उनको भी रिव्यू करता है कि वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ये सारा कुछ कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी सो मोटो एक्शन ले सकती है। सो मोटो एक्शन क्या होता है? कोई केस ना भी आए ना तब भी आप उसके खिलाफ एक्शन आर्बिट्रेरी एक्शन, ठीक है? तो ये रिव्यू करता है कि क्या वो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन था या फादर स्पीकर साहब ने कहा कि ये नॉन कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सकता जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी, ओ जाओ जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी रात को माशाल्लाह 1 बजे उन्होंने डिसीजन दिया कि नहीं जी, ये स्पीकर का डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्फिडेंस होगा। बाजवा साहब के करीब ही बैठे दाल में तो खुल ही जाती है। तो ये क्या है? पांचवा बच्चे इसका क्या है कि इनका इलेक्शन जो होता है ना जजेस का और रिमूवल होता है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर सकती है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना लेजिस्लेचर। आर्मी के बाद यही दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो ओनली बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही इसके इलेक्ट भी करती है और रिमूव भी करती है। सर उस काउंसिल के अंदर जजेस ही होते हैं भाई? हाँ सर, बाहर का कोई पता नहीं, लेकिन इन जजेस के ऊपर भी एक पावर होती है कोर्ट में, सारे काले कोट वाले वकील लेते जज को फाड़ के फिर रगड़ा ना देते। वाकई सही कह रहे, इतना जैकेट बैलेंस करना ना देता है। ये आ जाता है आपका इलेक्शन में रिमूवल ओनली बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। बच्चे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है आपका, ये जो बनते हैं चीफ जस्टिस या जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो कोई नहीं इलेक्ट करता, वो खुद इलेक्ट करते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाले। वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता, ना वो आपके लेजिस्लेचर कर सकता, हटा भी नहीं कर सकता। उन्होंने जब तक अपना टेन्योर पूरा नहीं करना तब तक सबसे स्ट्रांग आपकी कंट्री की जुडिशरी है। हाँ वो हम देखते हैं ना आगे। सिक्स इन्होंने क्या करना है, इन्होंने रिजॉल्व करनी है सिविल डिस्प्यूट्स। इन्होंने रिजॉल्व करने हैं प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स। इसकी कुछ ना स्पेशल पावर्स हैं जुडिशरी, कुछ स्पेशल पावर्स हैं इसके पास। क्या स्पेशल पावर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले तो कोई इसको डिसोबे नहीं कर सकता, नो वन कैन डिसोबे जुडिशरी, आर्टिकल 204। आर्टिकल 204 कहता है कि नो वन कैन डिसोबे
दूसरा है कि ये सिर्फ रिमूव और इलेक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ही हो सकते हैं, ओनली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। Can remove a judge. Last पे आपका आता है, last पे आपका आता है so motor action. कि वो उस केस पे भी एक्शन ले सकते हैं जो इनके पास सबमिटेड नहीं करा है।